नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ चुका है और 2 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि सर स्ट्रेटजी बताइए, और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अब तैयारी करनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही भी बात है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या हम रणनीति रखेंगे तब हम 155 से 160 के बीच में स्कोर कर पाएंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ऊपर, यदि आपके रीजनिंग में 45 आ जाते हैं, केवल 45+ तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि 45 भी आ जाते हैं और 85 आ जाते हैं और 25 जीएस में आ जाते हैं, इंग्लिश में 85 आ जाते हैं, तो आप इतना स्कोर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। 155 मार्क्स आपके हो रहे हैं, जो कि आपका 150 से 160 के बीच में स्कोर है। चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो, 155 मार्क्स पर आपका फाइनल चयन हो जाएगा और आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि 2 मंथ की तैयारी, सबसे पहली बात तो ये कि 2 मंथ बहुत ही कम समय होता है तैयारी करने के लिए। इनमें जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है मैं उनका शेड्यूल अलग बताऊंगा, जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं अलग चीजें बताऊंगा। देखिए रीजनिंग के लिए सबसे पहले हम तैयारी करने की बात करते हैं, सबसे पहले पुराने स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार बताना चाहता हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे से पढ़ रहे हैं, 1-2 साल हो गए जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो उनको करीबन 6 घंटे तैयारी करनी है और क्वालिटी वाली तैयारी करनी है। अब उनको कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व करना है, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पर, 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि हमारे डाउट क्लियर है, देखिए डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए, या आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि आपके टॉपिक क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर कर लें। सबसे पहले टॉपिक वाइज में चलता हूं, जैसे कि रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपको पता है एनालॉजी आती है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग आती है, नॉर्मल वर्बल रीजनिंग आती है, सीरीज आती है, और भी पेपर कटिंग, फोल्डिंग, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स पहली बार टॉपिक्स पे पकड़ होनी चाहिए, कैलेंडर के हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्लॉक के हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। बहुत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं कि किस तरीके से हमको तैयारी करना चाहिए, हमारे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, बार बार मेहनत करते हैं सर, एग्जाम देते नहीं आ पाते। वो कभी आ भी नहीं पाएंगे जब तक कि आपकी स्ट्रेटजी रणनीति सही नहीं होगी। क्लॉक का, कैलेंडर का, एनालॉजी का, सीरीज का, सब प्रकार के प्रश्नों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। यदि वो थोड़ा सा घुमा दे, इतने प्रश्नों पर पकड़ होने के बाद भी वो प्रश्न घुमाएगा, और प्रश्न 50 नंबर की रीजनिंग में कम से कम 6 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि हर कोई, 7 प्रश्न ऐसे रहते हैं, 40 नंबर तक तो आप मान के चलते सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों के 40 भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो होशियार और मेहनती छात्र होते हैं वो 40 से ऊपर जाते हैं, बट दिक्कत कर जाते हैं वो 6 से 7 प्रश्न जो कि घुमा फिरा करके आते हैं। तो उसके लिए हमें डिफिकल्ट लेवल से तैयारी करनी होगी, आपको अपनी योग्यता का खुद परिकलन करना होगा कि हमसे कितना बनता है वो, तो आपका मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपके नंबर यदि आ रहे हैं अच्छे तो आपको बता देगा, बट आपको उसमें और सुधार करने की जरूरत है, और कठिन से कठिन प्रश्न कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा 2019 के जो रीजनिंग का सेट आया था उसमें कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, रीजनिंग ही बच्चों के नंबर खा गई है उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेहनती विद्यार्थी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें 6 घंटे अच्छे से पढ़ना है, अपना माइंड फ्रेश रखना है, और हो सके तो 7 घंटे भी उसको करने की कोशिश करें, पर आप नींद लें और अच्छे से पढ़ाई करें। जो नए स्टूडेंट हैं जो कि अभी 2 महीने में ही तैयारी करने के लिए आए, उनको ऑब्वियसली 8 से 9 घंटे और मैक्सिमम 10 घंटे तक उन्हें पढ़ना होगा, इससे ज्यादा पढ़ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि हम यदि कल ही एग्जाम हो जाए तो हम 2400 घंटे पढ़ करके तो नहीं निकाल सकते। बट 2 मंथ्स आर सफिशियंट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम इफ वी आर वर्किंग हार्ड और वी आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, बट उसमें मेहनत बहुत रहती है। जो ओल्ड स्टूडेंट है मैंने बताया वो 6 घंटे भी पढ़ेंगे, उनका पर्याप्त रिविजन करें, अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही रखें, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं। और नए स्टूडेंट स्ट्रेटजी सबके लिए सेम रहेगी, बस पुराने स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है उन्हें, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सेट्स की, मॉक टेस्ट की, बहुत सारे मॉक टेस्ट उनको देने होंगे, कम से कम सप्ताह में 3 मॉक टेस्ट अब आप देंगे। सभी ओल्ड स्टूडेंट ध्यान से सुनने, जो कि पढ़ चुके हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो 3 मॉक टेस्ट देंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो सप्ताह में 1 मॉक टेस्ट देंगे। आप इसको 3 से बढ़ा करके 4 भी कीजिए ओल्ड स्टूडेंट जो है, और हो सके यदि आप कर सकते हैं तो 1 घंटा जो 6 घंटे पढ़ने का, 1 घंटे का आप मॉक टेस्ट, 2 घंटे का आप जरूर दीजिए। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सप्ताह में केवल 2 मॉक टेस्ट पर्याप्त हैं, और
इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से बच्चे 170 से ऊपर भी स्कोर करते हैं। वो क्या होते हैं कि बहुत मजे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके होते हैं, 160 से ऊपर भी स्कोर उनका जाता है, तो क्या होते हैं उनको प्रैक्टिस काफी रहती है और उनको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने को मिलते हैं। बट नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ 150 क्रॉस करने की, नए स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनका पकड़ नहीं है उनके लिए 160 क्रॉस कर पाना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होगा। तो अब प्रयास करना है उनको कि हम सिलेक्शन कम से कम इतने नंबर लेकर के आ जाए कि हम स्किल टेस्ट दें, तो फाइनल अंतिम सूची जब जारी होगी तो हम उसमें चयनित हो सके। तो उसके लिए उनका 150 का ट्राई रहेगा। और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और सबसे पहले रीजनिंग में क्या करना है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग के लिए आपको लगातार सेट पेपर लगाने और डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे अपनी पकड़ बनानी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफिकल्ट और हाई लेवल क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनानी है। और जो टॉपिक वाइज है, टॉपिक्स अपने सभी को क्लियर रखने हैं। टॉपिक यदि क्लियर होंगे तभी आप, यदि आपने टॉपिक क्लियर नहीं किया तो जाइए टॉपिक करिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी से अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और जो जिनके कुछ टॉपिक्स लगता है उन्हें नहीं है तो वो जा सकते हैं और कोई एक अच्छा सा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जो उन्हीं टॉपिक्स के लिए जो कि उनको मतलब यहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है। बाद बाकी आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं 2 मंथ्स के लिए। आप दिव्यांग सर से उसके लिए कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हमसे बन जाता है बस केवल हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, टॉपिक सभी क्लियर, वो सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू करें, उनको बहुत अच्छा उसमें से बेनिफिट मिलेगा। तो रीजनिंग के लिए हो गया। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा जो अभी ज्वाइन किए जाए, 2 महीने में तैयारी करनी है, उन्हें सबसे पहले तो अपना बेसिक ही क्लियर करना पड़ेगा। जिन्हें अभी रीजनिंग की एबीसीडी भी नहीं पता तो उन्हें डबल डबल कवर करना पड़ेगा। जो अभी एक्टिव जो प्रैक्टिस सेट है वो तो चलेंगे ही साथ में, और प्लस उनका बेसिक भी चलेगा, तो उन्हें दोनों जरूरत होगी, दोनों चीजों की, एक तो बेसिक की भी जरूरत होगी और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हीं की भी जरूरत होगी। तो उनको चाहिए कि वो अपना पहले बेसिक क्लियर करें सबसे पहले। तो बेसिक की भी क्लास सबसे पहले, जैसे कि मान के चलो मैं उदाहरण बताता हूँ, एनालॉजी है, तो एनालॉजी के सबसे पहले आप बेसिक की वीडियोस देखिए, सारी चीजें बेसिक की वीडियो, आपकी एनालॉजी की 3-4 वीडियो कंप्लीट हो गई, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आपको बेसिक की रोज ही वीडियो देखनी है, सारे टॉपिक अपने क्लियर करने हैं, पूरे जितने भी बेसिक के वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको सभी कवर करने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी करनी है, तो उनको डबल मेहनत करना होगा यहाँ पर। यदि वो तैयार हैं तो ही उनको आगे बढ़े। देखिए इतना आसान नहीं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ उसको जमीन पर उतारना होगा आपको। 9 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी ही होगी, अदरवाइज मेहनत भी जाएगी उसमें, आर या पार की होती है, या तो आप आर हो जाओगे या पार हो जाओगे। पार हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आर हो गए तो फिर दोबारा से आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी वो एनालॉजी से फिर से। तो आप 9 से 10 घंटे दीजिए, और बिल्कुल आप यकीन मानिए 2 महीने में भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा आटा टूट मेहनत करते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट मार्क्स आप उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है, आप 170 प्लस नहीं कर पाएंगे वो बात अलग है। हो सकता है कुछ 2 महीने में 170 प्लस भी स्कोर करें जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैंने बता दिया इसमें, बता दिया मैंने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है जिसमें 45 प्लस स्कोर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप अपनी कमियों को छांटिए, जो जो टॉपिक आपसे नहीं बनने मैंने बताया वो टॉपिक क्लियर होने चाहिए, भयंकर प्रैक्टिस सेट होने चाहिए। और प्रैक्टिस सेट आपको जब आप मॉक टेस्ट दें तो आप ये वैल्यूएशन करें कि मुझसे कौन कौन से टॉपिक नहीं बन रहे हैं, और जो भी टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप पहले क्लियर कीजिए। जैसे कि मुझे अब लग रहा है कि दोनों के जैसे घड़ी की सुइयां हैं या कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 1989 को कौन सा दिन था, फिर उसमें उसके 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए सभी में। अब बात ये है, बात आती है इंग्लिश के लिए 85, तो इसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो ऑलरेडी इनके टॉपिक्स क्लियर हैं, एरर क्लियर मतलब जैसे कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन एडजेक्टिव सभी जिनके क्लियर है बहुत अच्छे से, उनकी वोकैब पे अच्छी पकड़ हो चुकी है, उन्होंने किरण प्रकाशन और एमबी पब्लिकेशन की किताब में से सभी मीनिंग याद कर लिए हैं, उनके लिए बना हुआ है केवल प्रैक्टिस सेट। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर रखेंगे आपके उतने चांस होंगे कि आप 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। और नए स्टूडेंट्स के लिए भी ये थोड़ी सी समस्या होने वाली है, उनको भी चाहिए कि वो अपना बेसिक पहले क्लियर करें, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, कम से कम ऐसी वीडियो जो कि 60 दिनों में कंप्लीट हो सके या 55 डेज में कंप्लीट हो सके, बट उसमें आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। देखिए वीडियो अकेले देखने से कुछ नहीं होगा,
आपको लगातार उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ही मेहनत का काम इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेसिक क्लियर कर रखा है, जो प्रैक्टिस है वो आप कोई भी एक कोर्स लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे आपको उसमें रिस्पांस मिलेगा। आप दिव्यांश सर का भी देख सकते हैं उसके लिए, और उनका प्रैक्टिस सेट भी अभी चल रहा है, तो आप उसको मेरा सुझाव रहेगा कि ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको अच्छे से जिनके डाउट क्लियर है वो सब अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं हम जीके के लिए। तो जीके के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें अब बेसिक का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा, अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किन चीजों की करनी है, जो हाल ही में SSC CGL CHSL में जो भी जीके के प्रश्न आए, आप क्यू मैथ्स की साइट पर जाइए, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, अभी जो इस साल हुए हैं पिछले साल, और जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उनको लगाना शुरू कर दीजिए अच्छे से। उसमें आप देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीट हो चुके हैं, तो वो 25+ स्कोर करने में आपको मदद कर। और कोई प्रैक्टिस सेट यदि मिलता है, कोई नई नॉलेज मिलती है आपको करेंट किया हो, तो आप उसको भी उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका लगता है कि नहीं हमारे जीके पर सही पकड़ है, तो आप केवल प्रैक्टिस सेट अकेले लगाइए, कोई भी आप एक बुक पकड़ लीजिए और जो मैंने प्रीवियस ईयर के आपको बताया, जो अभी करंट सिनेरियो में जो भी SSC के एग्जाम हुए, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CPO का हो, और उससे पहले वाले ईयर के, फिर 19 के, 18 के, 17 के, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए। इसमें आपको टॉपिक वाइज जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज में GK बहुत समय ले जाती है, इसलिए आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये गलती बिल्कुल मत करना। अब आप टॉपिक पर बिल्कुल मत जाना, अब आपको केवल केवल प्रैक्टिस लगेगी। रैंडम क्वेश्चन एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक, तो लगातार आपको सेट पेपर लगाते चलने हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट कौन लोग लगाए, जिनके बेसिक अच्छे से क्लियर हो गए, लेकिन नए स्टूडेंट जिन्होंने लिया वो भी मॉक टेस्ट देकर के देखें कि अभी हमारी कंडीशन क्या है, तो उनको समझ में आएगा कि कितनी चीजें हमसे बन रही है और कितनी चीजें नहीं बन रही है। और दूसरी बात, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें, जो अच्छे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनके मार्क्स कम रह गए, उन्हें मॉक टेस्ट रोज एक देना है, साइलेंटली बैठ करके अच्छे से व्यवस्था बना करके अपनी, और फिर ऐसी मॉक टेस्ट देकर के छोड़ नहीं देना है। उसमें से ये भी इवैल्यूएशन करना कि मुझसे कौन से टॉपिक के प्रश्न गलत हो गए, क्या मुझसे एडजेक्टिव की एरर गलत हो गई, या मुझसे कोई वॉकअप नहीं बन पाई, और वॉकअप कवर हो जाए आपकी, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो SSC CGL और CHSL के जो अभी हाल ही में पेपर हुए या इससे पहले वाले जो साल में पेपर हुए, उनकी वॉकअप को भी आप नोट डाउन करके तुरंत याद कर सकते हैं। वॉकअप, ईडियम्स, एंटोसिनो और क्लोज टेस्ट और पैसेज की प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा आपको क्लोज टेस्ट पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, और PQRS मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। यही नंबर ले जाते हैं और यही बना जाते हैं, यही आपकी इंग्लिश बना देंगे, यही बिगाड़ देंगे। तो लगातार 2 महीने में इन चीजों को आपको छोड़ना नहीं है, और कम से कम आपको न्यू जो ओल्ड स्टूडेंट है कम से कम 6-7 और 8 घंटे भी करा, तो मैं बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 महीने की आपकी मेहनत है। और नए स्टूडेंट के लिए मैंने आपको आप बता दिए कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यदि वो मेहनत करने के लिए तैयार है, 9 से 10 घंटे पढ़ने तैयार है, तो ही वे आगे आए, तो ही वे पढ़ाई करें, अदरवाइज फिर अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दे। क्योंकि 2 महीने में ड्यूरेशन ठीक है, अच्छी है, बट मेहनत भी उस हिसाब की होनी चाहिए कि वो 2 महीने की तैयारी को, 6 महीने की तैयारी हम 2 महीने में कर रहे हैं, साल भर की तैयारी हम 2 महीने में कर रहे हैं, तो आप ही समझ सकते हैं कि कितने मेहनत की उसमें आपको जरूरत होने वाली है। और मैंने बताया कि 150 से ऊपर आपके यदि मार्क्स आते हैं तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे। इस बार के लिए आप 150+ मान करके चलें। मॉक टेस्ट न्यू स्टूडेंट्स को सप्ताह में 1 या 2 देने हैं। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट को बेसिक कवर करना है। जीके का बेसिक मैं नहीं सलाह दूंगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए ना ओल्ड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जितने की रीजनिंग और इंग्लिश नहीं है उतना, उससे तो दुगना और तिगुना आप कह सकते हैं जीके का पोर्शन है। तो नए स्टूडेंट्स के लिए भी मैं सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगाइए, और यदि कोई प्रैक्टिस बैच है अवेलेबल है तो आप उसको जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी मार्गदर्शन में काम करना, उनको मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। यदि न्यू स्टूडेंट है वो पहले से ही तैयारी कर चुके हैं तो बात अलग है, वो SSC स्टेनो की फील्ड में नए हैं लेकिन इससे पहले CGL CHSL को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए किसी भी गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल ही नए स्टूडेंट हैं उनको तो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, उनको जरूरत है कि वो बेसिक भी क्लियर करें इसी वक्त, और
अपने लिए प्रैक्टिस सेट को भी उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट भी उनको लगाने पड़ेंगे। कोई भी आप एक अच्छा सा कोर्स देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अब दूसरी बात आती है कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कट ऑफ की प्रेडिक्शन पहले तो नहीं कर सकते, बट मैंने आपको बताया कि 155 प्लस मार्क्स आपको बिल्कुल सेफ जोन में ला करके खड़ा कर देंगे। 150 से आप यदि ऊपर लाते हैं मार्क्स, तो आप यू विल बी और एब्सोल्युटली इन सेफ जोन, ठीक है ना। तो इतने मार्क्स लाने, इसके लिए आपको रीजनिंग में 45, इंग्लिश में 85 और जीके में 25 स्कोर करना है। अब 170 मार्क्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो रीजनिंग में हाईएस्ट मार्क आपके 47 तक जा पाएंगे, 48 तक जा पाएंगे, आपकी बहुत अच्छी, 2 नंबर तो फिर भी ये काट ले जाती है। मैंने बताया ना विद्यार्थी इसमें भी 39-40 पे ही 2019 के पेपर में बहुत से स्टूडेंटों ने बताया कि उनके 39-40 नंबर आ रहे हैं। तो आपके 39-40 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबके आएंगे, विद्यार्थी ऐसे भी जो 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आते हैं, बट उनको हम स्पेशल मान के चलते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा टैलेंटेड मान के चलते हैं, कि हर विद्यार्थी ऐसा नहीं होता, हम एक औसतम विद्यार्थी के रूप में काम करते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो 39 से 40 मार्क्स से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसको तो आप आउट मान के चलिए, फिर आप पेपर के एग्जाम के सिनेरियो से आउट हो जाएंगे। इसमें 40 से और इसमें पर्सन के आप मान के चलिए विद्यार्थियों के स्टूडेंट के 95 आते हैं, 95 से उनके मार्क्स 98 तक वेरी कर सकते हैं, और थोड़े से कम होशियार मान लें आप विद्यार्थी को तो 90 प्लस मार्क्स तक वो स्कोर कर सकते हैं। और जीके में तो स्टूडेंट 40 मार्क्स भी स्कोर कर देते हैं जिनकी बहुत अच्छी जीके है, तो ऐसे ये नाइस, आप उसको 90 में 40 जोड़ेंगे तो 130, और 130 में यदि आप 47 जोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए वो तो 170 प्लस मार्क्स हो गए, तो वो उनको ग्रेड सी प्राप्त होता है। तो जो मेहनती विद्यार्थी हैं वो हमेशा हर जगह सफल होते आए हैं और हमेशा सफल होते रहेंगे, आपको बस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर के आऊंगा, जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी की वीडियो लाऊंगा, वो सेपरेटली लेकर के आऊंगा, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो जीके की हो, तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। इसमें आपको रीजनिंग की फुल तैयारी कैसे करनी है वो जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत समय कम है और आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। मैंने आपको बताया जो नए स्टूडेंट हैं वो टॉपिक क्लियर करें फिर प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं वो सब कुछ छोड़ दें, अब केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, उनको अपने नंबरों को इवेल्यूएट करना है। यदि मॉक टेस्ट में 170 नंबर आ रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि आपके फाइनल एग्जाम में 160 नंबर तो आ ही जाएंगे, और जिनके 180 आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि 170 कहीं नहीं गए, उनकी तो स्थिति बहुत अच्छी है। और जिनके 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में बार बार मॉक देने के बाद, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जब मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, जब आपको उसके आंसर्स मिल जाए, तो देखिए कि मुझसे प्रश्न बना नहीं तो क्यों नहीं बना, ऐसा क्या टॉपिक था जो मुझसे छूट गया, और जो टॉपिक आपसे नहीं बना उसके लगातार आप 20 से 30 क्वेश्चनों की धड़ाधड़ प्रैक्टिस कर डालें। जैसे कि आपको एनालॉजी का प्रश्न नहीं बना, अब आपको लग गया कि नहीं यार एनालॉजी मेरी सही नहीं है, तो आप किरण प्रकाशन की किताब पर जाएं और धड़ाधड़ उसके प्रैक्टिस कर डालें। यदि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, कुछ प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस एक टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए कोई भी अच्छा, और लगातार उसके संग में चलिए, तो आपकी बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने बताया रीजनिंग के लिए स्पेशली मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा। 2019 के पेपर टफ आए थे, उसमें रीजनिंग के बच्चों के मार्क्स चले गए, तो 2019 के जितने भी 6 पेपर आए हैं जो उनके आप 50-50 क्वेश्चन है उसमें हर एक सेट में, तो वो कर लीजिए। उसके बाद समय मिलता है तो सीजीएल सीएचएसएल के जो एग्जाम हुए, मतलब आपको ज्यादा रिलाय जो करना है एसएससी के मामले में, वो रिलाय आपको अभी जो पेपर चल रहे हैं और जो पहले हो चुके हैं उन पे आप पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे जाएंगे, विश्वास मानिए आप मेरा। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं और जितनों से रिस्पॉन्स प्राप्त होते हैं, जो हमसे भी पढ़ चुके हैं और जिनके अच्छे मार्क्स आए 160 प्लस 150 प्लस, वो यही कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के हमने बहुत अच्छे से कर रखा था तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो जीके का तो सब पूरा प्रीवियस ईयर का ही चलेगा, उसमें टॉपिक है नहीं है। इंग्लिश में जो नए विद्यार्थी है उनको बेसिक भी क्लियर करना होगा, प्लस उनको प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। इंग्लिश में जो करवाया जाता है वो जनरली प्रीवियस ईयर का ही होता है। और रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया 2019 के जो सिस्टम के पेपर हुए उसमें आप उसका देख सकते हैं इफेक्ट क्या रहा और कितने उसमें कठिनता थी, और उन प्रश्नों पर अपनी पकड़ बताएं, जैसे कि दिशा एवं दूरी है या सिटिंग अरेंजमेंट है या कुछ भी है। तो यहां पर मैं भी आपको YouTube पर बहुत सारी चीजें बताऊंगा, एक से एक कठिन प्रश्न करवाऊंगा, कैसे
नॉर्मल वर्क रीजनिंग के चित्रों में जो आती है और जो फिगर्स आते हैं उसमें कैसे चेंजेस हो जाते हैं, या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कैसे पाइथागोरस का यूज किया जाए और कैसे शॉर्ट मेथड से हम उसको प्रश्न को सॉल्व कर सकें। आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा सेपरेटली, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप और कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।